आज मैं आपको एक पांच ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसमें आप Amazon FBA होलसेल मॉडल में अगर काम करते हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने Amazon FBA होलसेल का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ आप जितना ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमेल्स करेंगे अपने प्रोफेशनल ईमेल से या रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा आपके अकाउंट्स बनेंगे। जो नॉर्मल ट्रेंड है कि जी आपने 50-60 लोगों को ईमेल किया और उनका अगर रिस्पॉन्स बहुत कम आया तो लोग जैसे डिसअपॉइंट होते हैं, तो आपने यही चीज, तो इसी चीज़ को ओवरकम करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब आप जितने ज्यादा लोगों को एंगेज करेंगे उतने ज्यादा आपके अकाउंट्स बनेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे। सो नंबर टू जो टिप है वो ये है कि आपने जब भी अमेजन के ऊपर कोई ऑर्डर लगाना है, वो अमेजन पे जो ऑर्डर होता है वो हमेशा आप उसको टेस्ट ऑर्डर रखते हैं। लाइक सपोज अगर आपने पहले 10 यूनिट्स का ऑर्डर लगाया, उसके बाद आपने 20 यूनिट्स का ऑर्डर लगाया, तो आप इन दो टेस्ट में आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके बिहाफ पे कैसे चलने वाली है। बिकॉज अमेजन पे स्टैट्स जो है वो डिफरेंटली बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। सो इस चीज को बड़ा रिसर्च करके आपने प्रोडक्ट्स को चेक करना है कि उसके ऑर्डर्स आपने पहले इशू में बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर नहीं लगाना। नंबर थर्ड में जो इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है वो है रिलेशनशिप। आपने अपना रिलेशन जो डेवलप करना है सप्लायर के साथ वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। बिकॉज आपके बहुत सारे इवेंट्स जो है यूएसए में आते हैं, जिस तरह हेलोवीन आ गया या जिस तरह की क्रिसमस आ गई या ईस्टर आ गया, इस तरह के इवेंट्स के ऊपर आप अपने कंपनी के बिहाफ पर आप अपने कोई गिफ्ट कार्ड्स उनको सेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसा रिलेशन बना सकते हैं जिससे वो आपको याद रखे। और इससे ये होता है कि आपको ये चीज भी पता लगती है कि जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, तो वो आपको टाइमली इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि जी हमारा स्टॉक खत्म होने वाला है या हमारा ये स्टॉक अब इस डेट को आएगा। सो एक रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। नंबर फोर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि टाइम रूटीन, वो आपकी रूटीन और आपका टाइम इतना फोकस्ड आप होने चाहिए कि आप जब भी अमेजन पे काम करने के लिए अभी होलसेल मॉडल में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका टाइम फ्रेम, आप 3 से 4 घंटे डेली दे रहे हैं, आपका वीए या आप खुद जब भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर आप चेक कर रहे हैं कि कब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को रिस्पॉन्ड करना है, कितनी क्विकली किस टाइम फ्रेम में मैंने उनको रिप्लाई करना है और कितना क्विकली उनके साथ मैंने अपना रब्ता रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपकी इनकम, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करेंगे अपने बिजनेस के ऊपर, उतनी ज्यादा ज्यादा आपको इनकम जनरेट करने के चांसेस भी होंगे। यानी कि अगर सपोज अगर आप किसी सप्लायर से 50 पीस लेते हैं, 60 पीस लेते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रेट 100 होगा, लेकिन अगर आप उसको बल्क में और अच्छा ऑर्डर करते हैं, 100 पीस या 200 पीस तक ऑर्डर भी करते हैं, तो वो आपका ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इनकम जनरेट होगी। लेकिन ये स्टेज आती है तब जब आप 1-2-3 टेस्ट ऑर्डर कर लें, उसके बाद आप बल्क ऑर्डर करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स अगर आप जहन में रखें, 5 पॉइंट्स के बाद एफबी होलसेल मॉडल को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा।